गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम सी एस उमेद गर्ग है और अपनी वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे विवाद से विश्वास स्कीम के बारे में। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने 1 फरवरी को बजट में बताया था कि वो एक विवाद से विश्वास स्कीम लाने वाली हैं, जिससे टैक्स लिटिगेशन जो डायरेक्ट टैक्स के अंदर हैं वो भी रिड्यूस हो जाएंगे। तो उन्होंने 5 फरवरी 2020 की डेट में विवाद से विश्वास स्कीम का जो बिल है वो पेश कर दिया है लोकसभा में, लेकिन 11 फरवरी जो कि लास्ट डेट थी लोकसभा के बजट सेशन की फर्स्ट पार्ट की, वो उसमें अप्रूव्ड नहीं हो पाया है। अब लोकसभा का दूसरा सेशन 2 मार्च से दोबारा स्टार्ट होगा, तो उम्मीद है कि दूसरे सेशन में ये स्कीम 100% अप्रूव्ड कर दी जाएगी। तो आइए इस स्कीम में देखते हैं कि इस बिल में क्या क्या इंपॉर्टेंट बात बताई गई है। एफएम्स स्पीच इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। करंटली देयर आर 483,000 डायरेक्ट टैक्स केसेस पेंडिंग इन वेरियस एपलेट फोरम्स, कमिश्नर अपील्स, ITAT, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया कि अराउंड 483,000 ऐसे केसेस हैं जो कि फोरम्स में काफ़ी टाइम से पेंडिंग्स हैं। फोरम्स कौन कौन सी इन्होंने कंसिडर की हैं? कमिश्नर अपील्स, ITAT, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। स्कीम टू रिड्यूस टैक्स लिटिगेशन इन डायरेक्ट टैक्स। तो ये स्कीम का मेन पर्पज़ क्या है? टैक्स लिटिगेशन को रिड्यूस करना। अंडर द प्रपोज्ड विवाद से विश्वास स्कीम ए टैक्स पेयर वुड बी रिक्वायर्ड टू पे ओनली द अमाउंट ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स। तो आपको फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में ही बोला था कि सिर्फ आपको डिस्प्यूटेड टैक्स की अमाउंट पे करनी है एंड विल गेट द कम्प्लीट वेवर ऑफ इंटरेस्ट एंड पेनल्टी प्रोवाइडेड ही पेज बाय द 31 मार्च 2020। प्रोवाइडेड वो 31 मार्च 2020 तक उसे पे कर देता है तो आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी की वेवमेंट मिल जाएगी। टैक्स पेयर इन हूज केसेस अपील्स आर पेंडिंग एट एनी लेवल कैन बेनिफिट फ्रॉम दिस स्कीम। तो ये स्कीम का फायदा कौन उठा पाएंगे? जिनकी अपील्स पेंडिंग है। द डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास बिल 2020। ये बिल 5 फरवरी 2020 को लोकसभा में पेश किया गया है। आइए डिस्कस करते हैं इसके अंदर क्या क्या प्रोविजन रखे गए हैं। सबसे पहला प्रोविजन है कंप्यूटेशन ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स। तो डिस्प्यूटेड टैक्स आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? A-B + C-D। तो वेयर ए इज ऑन टैक्स ऑन द असेस्ड टोटल इनकम, यानी कि ए क्या है? जो डिपार्टमेंट ने टोटल इनकम असेस की है आपकी। बी क्या है? टैक्स ऑन असेस्ड अनडिस्प्यूटेड टोटल इनकम। तो अनडिस्प्यूटेड टोटल इनकम के ऊपर टैक्स निकालेंगे। तो इन दोनों का जो डिफरेंस रहेगा अल्टीमेटली वो क्या रहेगा? टैक्स ऑन द डिस्प्यूटेड टोटल इनकम। तो टैक्स ऑन द डिस्प्यूटेड टोटल इनकम यहाँ पे लिया जाएगा A-B + C-D। C-D भी सेम है टैक्स ऑन असेस्ड टोटल इनकम एज पर द मैट प्रोविजन एंड टैक्स ऑन असेस्ड अनडिस्प्यूटेड टोटल इनकम एज पर द मैट प्रोविजन। तो ये भी क्या निकालेंगे? डिस्प्यूटेड टोटल इनकम के ऊपर मैट के प्रोविजन के हिसाब से टैक्स निकालेंगे और दोनों का एडिशन कर देंगे। अब लोगों को डाउट होता है कि तो ये या तो असेसी जो है टोटल इनकम के हिसाब से टैक्स पे करेगा या मैट के हिसाब से पे करेगा, तो इन दोनों को एडिशन क्यों किया जा रहा है? तो यहाँ पर इन्होंने एक बात और क्लैरिफाई की है पॉइंट नंबर डी में, कि यहाँ पर जो पॉइंट नंबर डी में लिया जाएगा टैक्स ऑन असेस्ड अनडिस्प्यूटेड टोटल इनकम लिया जाएगा प्लस अपील्ड इनकम इफ ऑलरेडी कंसिडर्ड इन बी, यानी कि अगर बी को निकालते हुए आपने कोई अपील्ड डिस्प्यूटेड इनकम है जो ऑलरेडी बी में कवर हो चुकी है तो उसको दोबारा यहाँ पर ऐड कर दिया जाएगा ताकि डिफरेंस में वो वाली इनकम दोबारा कंसिडर ना हो। यानी कि मैट के प्रोविजन के अंदर अगर कोई ऐसी इनकम है जो कि नॉर्मल प्रोविजंस में डिस्प्यूटेड नहीं है, इन दैट केस आपको वो एडिशन करना होगा। A-B shall be the tax on appealed income if there is a return loss, यानी कि अगर आपने रिटर्न फाइल की थी, लॉस की रिटर्न थी और अब जो टोटल इनकम डिस्प्यूटेड की है उसकी वजह से आपका क्या है, रिटर्न लॉस या तो कम हो रहा है या फिर रिटर्न लॉस इनकम में कन्वर्ट हो रहा है, तो इन दैट केस A-B अबव फॉर्मूले से नहीं निकाला जाएगा। A-B का क्या होगा, वो जितनी भी अपील्ड इनकम जो आपकी एडिशन की जा रही है इनकम उस वो आप उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा तो वो आपका A-B कहलाएगा। डिस्प्यूटेड टैक्स में ये क्या कहते हैं, टैक्स डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 200A, 201, 206C, 6A। तो ये TCS एंड TDS के ऊपर इंटरेस्ट और
पेनल्टी के प्रोविजंस हैं तो उसका भी डिस्प्यूटेड टैक्स में आप कंसिडर करेंगे। अपील मस्ट भी पेंडिंग ऑन द स्पेसिफाइड डेट, यानी कि स्पेसिफाइड डेट क्या रखी गई है, 31 जनवरी 2020। आपकी जो अपील है वो 31 जनवरी 2020 को पेंडिंग होनी चाहिए। अपलेंट में इंक्लूड इनकम टैक्स अथॉरिटी, यानी कि ये स्कीम का बेनिफिट जो है इनकम टैक्स अथॉरिटी भी उठा सकती है, यानी कि अपील फाइल करने वाला अगर इनकम टैक्स अथॉरिटी है तो इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ भी इस स्कीम का बेनिफिट लेकर उसे ख़त्म कर सकते हैं। डिक्लेरेशन टू बी फाइल्ड बाय द लास्ट डेट, डिक्लेरेशन टू बी फाइल्ड बाय द लास्ट डेट, यहाँ पर क्या होगा कि आपको डिक्लेयर करने होंगे अपने लिस्ट ऑफ केसेस जो आपके पेंडिंग चल रहे हैं अथॉरिटीज़ के पास, तो वो एक उसका डिक्लेरेशन का फॉर्मेट निकाला जाएगा और ये बोला गया है कि डिक्लेरेशन जो है लास्ट डे से पहले फाइल करनी है। आपके केसेस पेंडिंग कब होने चाहिए, 31 जनवरी 2020 को, लेकिन डिक्लेरेशन आप कब दे सकते हैं, बाय द लास्ट डेट। तो लास्ट डेट कब ये नोटिफाई करेंगे, वंस ये बिल अप्रूव्ड हो जाता है। टू डेजिग्नेटेड अथॉरिटी, तो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी को ये डिक्लेरेशन हमारे को देनी होगी, डेजिग्नेटेड अथॉरिटी को। डेजिग्नेटेड अथॉरिटी हमारा कौन रहेगा, कमिश्नर या फिर ऑफिसर इन रैंक अबव देन कमिश्नर एज नोटिफाइड बाय प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर। प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर बताएगा कि ये आपकी डेजिग्नेटेड अथॉरिटी रहेगी फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट, और आपको सारी डिक्लेरेशन इसी को देनी है। इन ये जो कमिश्नर नोटिफाइड किए जाएंगे इनको आपको अपनी डिक्लेरेशन देनी होगी। द स्कीम प्रोवाइड्स टू शेड्यूल फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स, तो यहाँ पर दो शेड्यूल अभी प्रिस्क्राइब किए गए हैं। अगर आपका जो केस है वो डिस्प्यूटेड टैक्स अमाउंट है, मतलब आपने क्या है, टैक्स अमाउंट डिस्प्यूटेड है, आपकी इंटरेस्ट चार्जेबल एंड पेनल्टी ऑन सच डिस्प्यूटेड अमाउंट, तो यहाँ पर आप टैक्स अमाउंट जो डिस्प्यूटेड टैक्स है वो इनकम के ऊपर है और करस्पॉन्डिंग इंटरेस्ट और पेनल्टी उस पर कैलकुलेट की गई है। तो इन दैट केस अगर आप अपनी अमाउंट 31 मार्च 2020 तक पे कर देते हैं, 31 मार्च 2020 तक पे कर देते हैं, तो डिस्प्यूटेड टैक्स ही आपको पे करना है, इंटरेस्ट और पेनल्टी आपको पे नहीं करनी है। यदि आप 31 मार्च 2020 के बाद पेमेंट करते हैं कभी भी, आप पेमेंट कब तक कर सकते हैं, डिक्लेरेशन टू बी फाइल्ड बाय द लास्ट डेट, लास्ट डेट एक नोटिफाइड होगी उसमें पेमेंट डेट भी डिक्लेयर की जाएगी कि आपको इतने टाइम तक इसकी पेमेंट करनी है, अदरवाइज ये नल एंड वॉइड कहलाई जाएगी स्कीम। तो जब भी 1 अप्रैल के बाद अगर आप पेमेंट करते हैं तो आपको क्या करना होगा, अमाउंट ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स पे करना होगा प्लस 10% ऑफ द डिस्प्यूटेड टैक्स पे करना होगा, यानी कि आपको 110% ऑफ द डिस्प्यूटेड टैक्स पेमेंट करनी होगी। तो यहां पर इन्होंने साफ एक चीज और क्लैरिफाई की है कि यदि जो एक्स्ट्रा 10% है, एक्स्ट्रा 10% है वो जो ये इंटरेस्ट और पेनल्टी चार्ज की गई थी इससे ज़्यादा हो जाता है तो इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा इंटरेस्ट और पेनल्टी की अमाउंट तक। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि हम इंटरेस्ट और पेनल्टी रिकवर नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर हम जो 10% का एक्स्ट्रा प्रोविज़न ले रहे हैं 1 अप्रैल 2020 के बाद, अगर वो इंटरेस्ट और लैब पेनल्टी से ज़्यादा हो जाता है तो हम सिर्फ इंटरेस्ट और पेनल्टी के अमाउंट इक्विवेलेंट अमाउंट ही कैलकुलेट करेंगे। अभी उम्मीद है सेंस ये बिल अभी पास नहीं हुआ है, तो उम्मीद है ये जो 31 मार्च 2020 की डेट है जहाँ तक आपको टैक्स ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स पे करना है इसे भी बढ़ाया जाए और साथ में ये 10% ऑफ द डिस्प्यूटेड टैक्स की जो डेट है ये करस्पॉन्डिंगली बढ़ जाएगी। अगर आपका केस रिलेट करता है डिस्प्यूटेड इंटरेस्ट पेनल्टी या फीस से, यानी कि आपके टैक्स से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट नहीं है, आपका इंटरेस्ट डिस्प्यूटेड है या फिर पेनल्टी डिस्प्यूटेड है या कोई फीस डिस्प्यूटेड है, तो आपको 31 मार्च 2020 तक 25% ऑफ द डिस्प्यूटेड इंटरेस्ट पेनल्टी और फीस पे करना है और 31 मार्च के बाद आपको 30% पे करना होगा। इफेक्ट और प्री रिक्विजिट ऑफ फाइलिंग डिक्लेरेशन अंडर दिस स्कीम और एक्ट, तो इस स्कीम में फाइल करने से क्या इम्पैक्ट आएगा और क्या उसके प्री रिक्विजिट हैं उसके बारे में देख लेते हैं। पेंडिंग अपील बिफोर CIT और ITAT शैल बी डीम्ड टू हैव बीन विदड्रॉन विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑन विच द सर्टिफिकेट इशूड बाय द डेजिग्नेटेड अथॉरिटी, यानी कि क्या इसका प्रोसेस क्या है कि आप डेजिग्नेटेड जो अथॉरिटी यानी कि कमिश्नर है उससे अबव की रैंक का, उसको जब आप डिक्लेरेशन देंगे तो वो विद इन 15 डेज आपकी टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करेगा और एक ऑर्डर निकालेगा और उसी ऑर्डर के साथ आपको सर्टिफिकेट देगा फॉर पेमेंट। आपको एक पेमेंट करने के लिए सर्टिफिकेट दिया जाएगा, तो जिस दिन डेजिग्नेटेड अथॉरिटी ने वो आपको सर्टिफिकेट दे दिया उस दिन
जो अपील्स पेंडिंग बिफोर सीआईटी और आईटीएटी हैं वो शैल बी डीम्ड टू हैव बिन विदड्रॉन मान ली जाएंगी। पेंडिंग अपील्स और रिट बिफोर द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट शैल बी विदड्रॉन बाय द एपलेंट हिमसेल्फ विद द लीव ऑफ द कोर्ट एंड शैल फाइल प्रूफ ऑफ द सेम। तो आपकी प्री रिक्विजिस्ट क्या है कि अगर आपने कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के आगे कोई अपील कर रखी है या फिर रिट फाइल कर रखी है तो आप सबसे पहले उसे विदड्रॉन करेंगे और उसका प्रूफ फाइल करेंगे विद द डिक्लेरेशन। डिक्लेरेंट शैल विदड्रॉ क्लेम इफ एनी इन प्रोसीडिंग फॉर आर्बिट्रेशन कॉन्सिलेशन और मेडिएशन और इन एनी नोटिस गिवन अंडर एनी लॉ और अंडर एन एग्रीमेंट एंटर्ड बाय इंडिया विद फॉरेन कंट्री एंड शैल फाइल प्रूफ ऑफ द सेम। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो अगर कोई फॉरेन कंट्री में कोई पर्सन है उसने वहाँ के एक्ट से या फिर इंडिया के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है उसके अंदर कोई क्लेम फाइल कर रखा है या फिर कोई आर्बिट्रेशन कॉन्सिलेशन या मेडिएशन की प्रोसीडिंग एक्टिवेट कर रखी है इनिशिएट कर रखी है तो वो पहले उस प्रोसीडिंग को ड्रॉप करेगा और उसका प्रूफ भी फाइल करेगा। डिक्लेरेंट शैल फर्निश अंडरटेकिंग वेविंग हिज राइट इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म एंड मैनर। तो जो डिक्लेरेंट है उसको एक अंडरटेकिंग भी देनी होगी और अपने राइट्स को उसे वेव करना पड़ेगा कि वो फर्दर कहीं और किसी फॉरम में जो भी उसके पास अदर लीगल वेज अवेलेबल हैं वो उन सब में पार्टिसिपेट नहीं करेगा और पूरी तरीके से इस स्कीम में आने के बाद उसके राइट्स ख़त्म हो जाएंगे। नो एपलेंट फॉरम और आर्बिट्रेटर कॉन्सिलेटर मेडिएटर शैल प्रोसीड टू डिसाइड एनी इशू रिलेटिंग टू टैक्स एरियर्स मेंशन इन द डिक्लेरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ विच एन ऑर्डर हैज़ बीन पास बाय द डेजिग्नेटेड अथॉरिटी और द पेमेंट ऑफ ए सम बाय द डिक्लेरेंट हैज़ बीन मेड अंडर द स्कीम। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि जो यदि एक बार डेजिग्नेटेड अथॉरिटी ने कोई ऑर्डर पास कर दिया या फिर पेमेंट कर दी है अपलेंट ने तो फिर जो एपलेट फॉरम है आर्बिट्रेटर हैं कॉन्सिलेटर हैं मेडिएटर हैं वो इस उस इशू को फर्दर डिसाइड नहीं करेंगे। द डेजिग्नेटेड अथॉरिटी शैल नॉट इंस्टीट्यूट एनी प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ एन ऑफेंस और इम्पोज और लेवी एनी पेनल्टी और चार्ज एनी इंटरेस्ट अंडर द इनकम टैक्स एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द टैक्स एरियर। तो यहाँ पर इन्होंने बता दिया है कि ये यदि आप इस स्कीम के अंतर्गत आते हैं इस एक्ट का आप इस एक्ट में आप डिक्लेरेशन देते हैं तो इन दैट केस फिर इनकम टैक्स एक्ट के अंदर आप पे कोई भी पेनल्टी इंटरेस्ट फर्दर चार्ज नहीं किया जाएगा। डिक्लेरेशन टू बी नल एंड वॉइड। तो यहाँ पर इन्होंने एक सबसेक्शन 6 दिया है सेक्शन 5 का। तो यहाँ पे ये बोलते हैं द डिक्लेरेशन अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी प्रिज्यूम्ड नेवर टू हैव बीन मेड। यानी कि ये माना जाएगा कि आपने कभी डिक्लेरेशन दी ही नहीं है इफ़ एनी मटेरियल पर्टिकुलर फर्निश्ड इन द डिक्लेरेशन इज फाउंड टू बी फॉल्स एट एनी स्टेज। यदि आपने कोई बात मटेरियल पर्टिकुलर कोई छुपाए हैं या झूठ बोल लिखा है उसमें द डिक्लेरेंट वॉयलेट्स एनी ऑफ द कंडीशन रेफर टू इन दिस एक्ट। यानी कि अंडरटेकिंग नहीं दी है या फिर कुछ और कंडीशन उन्होंने मेट नहीं की हैं। The declarant acts in a manner which is not in accordance with the undertaking given by him under subsection 5. And in such cases, all the proceedings and the claims which were withdrawn under section 4, यानी कि जो section 4 के अंदर आपने proceedings और claim withdrawn किए थे या deemed to be withdrawn थे, and all the consequences under Income Tax Act against the declarant shall be deemed to have been revived. तो उसे ऐसा मान लिया जाएगा कि आपने application दी ही नहीं है और जो भी waived off हुए थे वो दोबारा revived हो जाएंगे। Time and the manner of the payment. तो within 50 days of the receipt of the declaration, authority shall by order determine amount payable by the declarant which shall be conclusive as to matter stated therein and shall not be reopened. तो 15 दिनों के अंदर अंदर अथॉरिटी क्या करेगी, एक अमाउंट डिटरमाइन करेगी डिक्लेरेंट की डिक्लेरेशन के बेस पर और वो अमाउंट कंक्लूसिव होगी और उसको फिर दोबारा उस केस को रीओपन नहीं किया जाएगा कहीं पर भी किसी भी एपलेट अथॉरिटी के द्वारा। ग्रांट सर्टिफिकेट शोइंग टैक्स एरियर एंड अमाउंट पेबल। तो उसके बेसिस पे जो उन्होंने अमाउंट कैलकुलेट की है वो एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे टैक्स एरियर का और अमाउंट पेबल का। तो जैसे ही सर्टिफिकेट मिलेगा फ्रॉम द सेम डेट सीआईटी अपील्स और जो आईटीएटी के पास केस पेंडिंग है वो डीम टू बी विदड्रॉन मान लिए जाएंगे। अब सर्टिफिकेट मिलने के बाद डिक्लेरेंट को क्या करना है, तो डिक्लेरेंट को विदिन 15 डेज ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द डिक्लेरेशन अथॉरिटी शेल
तो ये यहाँ पे गलत टाइप हुआ है। यहाँ पर क्या करना है कि विद इन 15 डेज ऑफ रिसीट ऑफ ऑर्डर, यानी कि सर्टिफिकेट, जो भी सर्टिफिकेट मिला है उस केस में जो डिक्लेरेंट है उसे क्या करना है, पे अमाउंट एज पर द सर्टिफिकेट प्रोवाइडेड विच विल बी नॉन रिफंडेबल अंडर एनी केस। तो आपको सर्टिफिकेट के हिसाब से अपनी अमाउंट पे करनी है और वो नॉन रिफंडेबल होगी। इंटीमेट इट्स डिटेल्स टू द अथॉरिटी, फिर आपको वही डिटेल्स एक प्रिस्क्राइब फॉर्म में अथॉरिटी को इंटीमेशन करना होगा। रिसीव ऑर्डर फ्रॉम द डेजिग्नेटेड अथॉरिटी फॉर सच पेमेंट, तो आपको एज एन एक्नॉलेजमेंट एक ऑर्डर रिसीव्ड करना होगा डेजिग्नेटेड अथॉरिटी से फॉर सच पेमेंट, जो आपको फ्यूचर अपने रिकॉर्ड्स के लिए रखना होगा। पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, तो यहाँ पर पॉइंट्स टू बी रिमेंबर में क्या है, दिस स्कीम शैल नॉट बी अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेज, कुछ सर्कमस्टांसेज में ये स्कीम एप्लीकेबल नहीं रहेगी। लाइक यदि आपकी सर्च एंड सीजर की असेसमेंट हो गई है तो उस केसेस में, या फिर आपके ऊपर प्रोसिक्यूशन इंस्टीट्यूट कर दिया गया है बिफोर द फाइलिंग डिक्लेरेशन, प्रोसिक्यूशन आपके ऊपर एक्टिवेट हो चुका है, या फिर टैक्स एरियर रिलेटिंग टू अनडिस्क्लोज्ड इनकम फ्रॉम ए सोर्स लोकेटेड आउटसाइड और एन अनडिस्क्लोज्ड असेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, यानी कि अगर जो टैक्स एरियर हैं, जो आपकी डिस्प्यूटेड टैक्स है, डिस्प्यूटेड पेनल्टी फीस है, वो रिलेट करती है टू एन अनडिस्क्लोज्ड इनकम फ्रॉम ए सोर्स लोकेटेड आउटसाइड, तो इन केसेस में आप नहीं कर पाएंगे। यदि अंडर द DTA प्रोविजन टैक्स एरियर रिलेटिंग टू असेसमेंट और रीअसेसमेंट मेड ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड अंडर एन एग्रीमेंट रेफर टू इन सेक्शन 90 और 91 90A ऑफ द एक्ट, यानी कि DTA प्रोविजन के हिसाब से अगर आपकी असेसमेंट हुई है उससे रिलेटेड टैक्स एरियर है तो भी आप नहीं कर पाएंगे। टैक्स एरियर रिलेटिंग टू एन अपील बिफोर द CIT अपील्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच नोटिस ऑफ एनहांसमेंट अंडर सेक्शन 251 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट हैज़ बीन इशूड ऑन और बिफोर द स्पेसिफाइड डेट, तो स्पेसिफाइड डेट से पहले अगर 251 सेक्शन के अंदर इनकम नोटिस ऑफ एनहांसमेंट इशूड हो चुका है तो फिर आप इस स्कीम का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। फिर फर्दर एनी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ होम एन ऑर्डर ऑफ डिटेंशन हैज़ बीन मेड अंडर द प्रोविजन ऑफ द कोफेपोसा एक्ट और ऑन और बिफोर द फाइलिंग डिक्लेरेशन, एनी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ होम प्रोसिक्यूशन फॉर एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस फॉलोइंग एक्ट और सच पर्सन हैज़ बीन कन्विक्टेड और उसे इस चीज़ का गिल्टी भी माना गया है इंडियन पिनल कोड में, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन एक्ट। एनी पर्सन नोटिफाइड अंडर सेक्शन 3 ऑफ द स्पेशल कोड ट्रायल ऑफ ऑफेंस रिलेटिंग टू ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज एक्ट 1992 ऑन और बिफोर द फाइलिंग ऑफ डिक्लेरेशन, तो अगर आप इसमें से किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो आप इस स्कीम का बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। पावर्स कन्फर्म, तो यहाँ पर CBDT को पावर दी गई है टू इशू द डायरेक्शंस और ऑर्डर्स टू द इनकम टैक्स अथॉरिटी एक्सेप्ट टू डिस्पोज ऑफ ए पर्टिकुलर केस, यानी कि CBDT के पास पावर है इस एक्ट के अंदर कि वो डायरेक्शंस और ऑर्डर इशू कर सकती है इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को, लेकिन वो ऐसी कोई भी डायरेक्शन इशू नहीं करेगी जिससे किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का या पर्टिकुलर केस डिस्पोज ऑफ हो, यानी कि वो डायरेक्शन इशू कर सकती है टू डिस्पोज ऑफ द केसेस ऑफ ए पर्टिकुलर क्लास, वो एक क्लास के लिए ऑर्डर इशू कर सकती है, डायरेक्शन इशू कर सकती है, लेकिन एक पर्टिकुलर केस के लिए वो ऑर्डर इशू नहीं कर पाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है टू इशू रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज ऑर्डर विद इन 2 ईयर्स, यानी कि 2 साल के अंदर अंतर्गत यदि इस स्कीम में आने पर कोई भी डिफिकल्टीज आ रही है तो वो रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज ऑर्डर के लिए इशू कर सकते हैं। टू मेक रूल्स फॉर कैरिंग आउट द प्रोविजन सच एज डिक्लेरेशन फॉर्म एट्स वेरिफिकेशन, मतलब वो रूल्स बनाने की पावर भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास दी गई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।